समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, अब आपके इस वेव ऑप्टिक्स में है क्या ये समझ लो। वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले जो है इंटरफेरेंस है टू स्लिट से, जो भी हमने ख़त्म कर ली। नेक्स्ट इंटरफेरेंस है सोप फिल्म की, एयर फिल्म की। ये सोप फिल्म है, थिन फिल्म्स हैं। आपने देखा होगा कि जो सोप साबुन के जो बबल्स हैं दिन के अंदर, वो उसमें सेवन कलर्स, सात रंग कुछ ऐसे चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? इंटरफेरेंस। पेट्रोल गेर दोगे पानी के ऊपर, ऊपर ऊपर चमकता है, वो भी इंटरफेरेंस। सबका एक ही एग्जाम्पल है। तो ऐसा कलर अगर आपको दिख जाए किसी फिल्म के अंदर, तो समझो क्या हो रही है, इंटरफेरेंस। तो सोप फिल्म में इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है? जबकि इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या चाहिए? दो सोर्सेस चाहिए। तो ये चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स का पहला फिनोमेना YDSC, ठीक, टू स्लिट्स। दूसरा इंटरफेरेंस इन सोप फिल्म। तीसरा डिफ्रैक्शन, अगले लेक्चर में होगा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। और चौथा पोलराइजेशन। ये चार फिनोमेना वेव ऑप्टिक्स के हैं। पोलराइजेशन एक लेक्चर का काम है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, वो तो एक लेक्चर में डन हो जाएगा। विद न्यूमेरिकल सारा, 15 मिनट की थ्योरी है, बाकी न्यूमेरिकल्स हैं। डिफ्रैक्शन बड़ा है, इंटरफेरेंस जितना ही है, रादर एक ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक ही बात है। तो डिफ्रैक्शन नेक्स्ट टाइम होगा, आज सोप फिल्म होगी, उसके बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डिफ्रैक्शन तक कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को बहुत, फॉर्मूलाज भूलने स्टार्ट हो जाते हैं। कन्फ्यूजन मतलब फॉर्मूलाज याद नहीं रहते। इसलिए अगली बार जब आप आओगे तो मैं आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसका टेस्ट लूँगा। जब भी आप आओगे तो प्लीज़ फॉर्मूलाज रिवाइज करके आओगे। मैंने थ्योरी का टेस्ट रखा था दूसरे बैच में, वो लोग माने नहीं, बोलते हैं कि ट्यूसडे को रख लेना, सैटरडे को सिर्फ फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज का ले लो। क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल दे रहा था आज, तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उनको फॉर्मूलाज ही नहीं याद आ रहे थे, न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व होंगे। तो पहले फॉर्मूलाज याद कर लो ताकि ऑब्जेक्टिव में आप अप्लाई कर सको। ठीक, तो इसमें सोप फिल्म की इंटरफेरेंस के ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो पहले तो, कि नॉट इन CBSE बोर्ड्स, पढ़ के नहीं जाना है इसे। सबसे पहला पार्ट, इसको पढ़ के नहीं जाना। दूसरा, लिखने तो लिख लो, इसका प्रूफ बस मैं एक बार सुनूंगा, उसके बाद फिर मैं पढ़ूंगा नहीं। इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रूफ, प्रूफ सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है, क्योंकि मैं आपको एंड में ये बता दूंगी, देखो कंस्ट्रक्टिव हो गए आप, कहाँ कंस्ट्रक्टिव कहाँ डिस्ट्रक्टिव को समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा टॉपिक क्या है, लेकिन आप लोगों से कोई थ्योरी में पूछेगा नहीं इस टॉपिक के बारे में कि मुझे भी प्रूव करके बताओ कैसे आया। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक दो क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव बनाने हो किसी ने तो वो बना सकता है, आपको घुमा सकता है। ठीक, तो इसलिए सुन लो, लेकिन इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है कि थ्योरी ज्योमेट्री ज़्यादा है इसमें, इस वजह से कह रहा हूँ। ठीक, सो फिल्म के अंदर कैसे होती है, तो इंटरफेरेंस, ये सब कलर पैटर्न क्यों आते हैं? मान लो ये आपके पास एक सोप बबल है। सोप बबल की ये सरफेस है, टॉप मोस्ट सरफेस है कोई भी, और लेट अस सपोज इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। तो सोप बबल ऐसा है, अंदर तो खाली है, बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है, लेकिन यहाँ पर वाटर है ब्लू कलर का। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो वाटर आपको इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, थिक थिक लेयर दिखेगी, जबकि है बहुत थिन, पर अंदर लाखों मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक सरफेस एयर के ऊपर है, ये सोप के जो है मॉलिक्यूल वाटर है, और नीचे क्या है, फिर से एयर है। तो एयर है, वाटर है और एयर है। ठीक है, यहाँ तक क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इंटरफेरेंस कैसे हो गई इसमें,
जब इसमें लाइट पास कर गई, ये पैटर्न कैसे नजर आया इसको समझने के लिए जरा ध्यान से देखो। लेट अस सपोज ये आपके पास एक वाटर है, ठीक, ये सोप, ये ब्लू कलर का वाटर, ये रहा, सेम है। ऊपर क्या है? एयर है। नीचे क्या है? एयर है, ठीक। अब इंटरफेरेंस के लिए लेट अस सपोज लाइट आई, ये सोर्स ऑफ लाइट यहां पर एंटर कर रही है, कुछ लाइट इस वाटर के अंदर क्या कर गई? रिफ्रैक्ट कर गई, और कुछ क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई। कुछ रिफ्रैक्ट कर गई, कुछ रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक। कोई डाउट इसमें? ऐसे होगा। अब लेट अस सपोज जो लाइट वाटर में आ गई, अंदर एयर है बाहर एयर है, नॉर्मल ड्रॉ करें, कुछ रिफ्रैक्ट कर गई और कुछ रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक। फिर नॉर्मल आ गया, कुछ रिफ्रैक्ट कर गई और कुछ रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक। ये फिर नॉर्मल आ गया, कुछ रिफ्रैक्ट कर गई और कुछ रिफ्लेक्ट कर गई। ये तो हर सरफेस पे यही चलता रहेगा, रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट ऐसे ही चलता है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो लाइट कुछ अंदर आ जाती है और कुछ बाहर चली जाती है। समझ में आ रहा है डायग्राम? अब होगा क्या, ये जो लाइट यहां से आई थी ये इस सरफेस को टकरा के चली गई यहां पे, और वही लाइट का कुछ पोर्शन घूम के लंबे रास्ते से वाटर में जाके बाहर वापस आया। लाइट ने जाना तो इकट्ठा है, वेव फ्रंट तो ऐसे ही बनेगा ना, जब तक ये नहीं आएगा वेव फ्रंट बनेगा नहीं, और तब तक ये काफी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ये जाने वाला वेव फ्रंट है। अब एक चीज देखो कि यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया लाइट ने, लेकिन ये वाली लाइट ने लंबे रास्ते से डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये वाला रास्ता इससे बड़ा है, तो देयर इज सम पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या डेवलप होगा? फेज डिफरेंस। और अगर ये फेज डिफरेंस वही पाए हुआ, टू पाए हुआ, थ्री पाए हुआ, तो ये लाइट क्या हो जाएंगी? आपस में इंटरफेयर हो जाएंगी, और आपको कलरफुल पैटर्न इसलिए नजर आएगा क्योंकि व्हाइट लाइट है, सात रंग की बनी हुई है, सात रंग सात रंगों के साथ इंटरफेयर करेगा, तो सात रंग मिक्स पैटर्न बनेगा कुछ ऐसा सोप फिल्म वाला, इसलिए आपको कलर नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं कलर्स इंटरफेरेंस की वजह से। बट कौन कौन सी लाइट इंटरफेयर कर रही है ये समझ में आया? तो कौन कौन सी लाइट इंटरफेयर कर रही है? एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये जो सीधा रिफ्लेक्ट हो गई, और एक जो अंदर जाके वाटर की सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर बाहर आई, ये इंटरफेयर हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये नीचे इसका क्या हुआ? अब यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है, एक लाइट रिफ्रैक्ट कर गई और इसी का कुछ पोर्शन वापस आ गया, तो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट भी आपस में क्या कर जाएंगी? इंटरफेयर कर जाएंगी, तो आपको ये कलरफुल पैटर्न ऊपर से भी नजर आएंगे और नीचे भी नजर आएंगे। तो इंटरफेरेंस यहां पर दो जगह पे हो रही है, ऊपर भी हो रही है और नीचे भी हो रही है। ऊपर इन दो वेव लाइट की हो रही है, नीचे इन दो लाइट्स की हो रही है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ठीक, बेसिक समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी लाइट आपस में इंटरफेयर करती है। कम से कम एक आइडिया तो आपको पता लग ही गया कि ये लाइट्स हैं जो इंटरफेयर करती हैं। कोई डाउट है इसमें? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक नहीं ना, सेवन कलर लाइट है व्हाइट लाइट, तो सात रंग सात रंगों के साथ इंटरफेयर कर गया, अब पता नहीं कौन सा पैटर्न देगा। हाँ नहीं, वो सात एक ही लाइट बोलो ना, सात कलर, सात कलर के साथ अलग अलग बोलने हैं। हाँ ऐसे सही, क्योंकि अंदर जाके तो सात कलर की फॉर्म में ऐसे जरूरत नहीं है, बस लाइट ही बोल दो, इतना ही सफिशियंट है। इतना डीप में नहीं जाना ना कि कौन सा कलर किसके साथ इंटरफेयर हुआ और क्या कलर निकलेगा, पता नहीं कौन सा पैटर्न निकलेगा। देखो ना बड़े अजीब अजीब कलर से, देखो कैसे कैसे पैटर्न है, कभी ऐसा निकल आता है कभी ऐसा, डिपेंड करता है कि लाइट कैसे एंटर कर रही है, मालूम ही नहीं। फिक्स रंग थोड़ी रहेगी, रेनबो ही बनेगी हमेशा, बनेगा तो पता नहीं कौन कौन सा पैटर्न बन जाएगा, ऐसे डार्क कलर भी निकल आते हैं बीच में से। डिपेंड करता है कि कौन सा कलर किसके साथ इंटरफेयर कर गया, कोई रेड ब्लू के साथ कर जाएगा, ब्लू येलो के साथ कर जाएगा, क्या कह सकते हैं। तो इसको प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते कि क्या पैटर्न निकलेगा, पर ये तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि कलर आई क्यों। मेन रीजन है कि कलर लोगों ने देखे कि कलर कैसे आ गए, अब समझ में आ रहा है कि कलर ऐसे आए होंगे, ठीक।
देखो नेक्स्ट जो है, अब इसको अगर हम डिस्कस करें इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स के अंदर, इसको अगर डिस्कस करेंगे तो अब हमें यह समझ में आता है कि यहां पर इंटरफेरेंस दो जगह पे हो रही है, एक ऊपर और एक नीचे। आपने ऊपर नीचे नहीं बोलना, आपने बोलना है ऊपर वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन की वजह से इंटरफेरेंस है। तो ए पार्ट है इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ये ऊपर की सरफेस पे इंटरफेरेंस देखी जाएगी। और दूसरा इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिशन का मतलब है लाइट यहां पर ट्रांसमिट कर दिया आपने, सो फिल्म के अंदर से, थिन फिल्म के अंदर से लाइट चली गई, तो दिस इज ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। तो आपने ये नहीं बोलना ऊपर की सरफेस की इंटरफेरेंस लगाऊं कि नीचे की लगाऊं, क्वेश्चन में पूछने वाला भी नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि इंटरफेरेंस लो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे या इंटरफेरेंस लो ट्रांसमिटेड सरफेस पे। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर और नीचे कौन से इंटरफेरेंस है, और दोनों के फॉर्मूलाज भी डिफरेंट है, वैसे मैं आपको बता दूं। ठीक है यहां तक? तो ये आपके पास इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड एंड इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड है। अब बुकलेट के अंदर दो डायग्राम बने हुए हैं, पहले डायग्राम ऊपर रिफ्लेक्शन की वजह से बना हुआ है, ये देखो जो मैंने बनाया, सोर्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्रैक्टेड, इन दोनों के इंटरफेरेंस होने वाली है, बाकी कंस्ट्रक्शन बाद में बताऊंगा। ऐसी ट्रांसमिशन के अंदर देख लो, ट्रांसमिशन में सोर्स ऑफ लाइट यहां गई होगी, वो छोड़ दिया डायग्राम, बाहर आ गई, ये घूम के वापस आ गई, ट्रांसमिटेड लाइट, सेम डायग्राम, इसे दो बार बनाया मैंने, एक ही बार में बना दिया, एक बार में ज्योमेट्री बहुत हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो उसने अलग अलग कर दिया। ठीक, डायग्राम समझ में आ रहे हैं, दो डायग्राम कैसे हैं? हालांकि आपको तो ड्रॉ नहीं करने, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप लोगों को तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ताकि कोई अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपको पता लग जाए कैसे करना है। वैसे एक ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव हैं आपके बुक असाइनमेंट के अंदर, तो जो ध्यान से सुनेगा उसका ये सॉल्व हो जाएगा एक ऑब्जेक्टिव। ठीक, सो इसमें सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम में मान लो ये लाइट आई, और जैसे मैंने यहाँ पर एंटर कर गई, नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ये आ रहा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी आ रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन है तो ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, ये वाला, क्योंकि ये जाने वाला वेव फ्रंट है, इसके वाला लाइट इकट्ठी जाएगी, क्योंकि ये लाइट तब तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी जितनी देर में ये घूम के आएगी, फिर ये इकट्ठे जाएंगे ऑब्वियसली। तो इस केस में ये आर है, 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 और इसको अगर यहाँ तक ले जाएं, इसको ज्वाइन करें, ये आर है तो ये आर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर ये आर है, ये आर है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, अगर ये आर है, हमने हाइगन्स प्रिंसिपल किया था, तो ये 90-R, ये आर है, ये आई है, ऑब्वियसली ये 90-I है, ये 90 है, तो ये आई है, तो आई और आर ज्योमेट्री क्लियर है इसकी, और जो सोप फिल्म है उसकी थिकनेस कितनी है, टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने हैं, म्यू है, और जब आप इसे ज्वाइन करते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये इसका बाइसेक्टर निकलेगा, सच दैट ये टी है तो ये भी एग्जैक्टली टी ही आएगा, टी एंड टी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? ज्योमेट्री क्लियर है इसकी? ठीक, तो क्या करेंगे इसमें, ये सोप फिल्म है, सेम डायग्राम यहीं पे चल रहे हैं, तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड हुई, ये वेव फ्रंट है जाने वाला, और यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया इसने, an, लेकिन इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ac प्लस cd, देखो ना, ये तो घूम के आएगी ऐसे, ये सीधा, तो आप चेक कर सकते हो कि अगर पाथ डिफरेंस, p स्टैंड फॉर पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ac प्लस cd किसके अंदर है, फिल्म के अंदर है, माइनस क्या करेंगे, an डिस्टेंस किस में है, एयर में, पहला स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो माइनस कर दिया तो पाथ डिफरेंस आ गया। अब मुझे ये पता है कि फिल्म के डिस्टेंस में से एयर के डिस्टेंस को तो माइनस नहीं कर सकते,
या तो एयर के डिस्टेंस में से एयर का डिस्टेंस या फिल्म के डिस्टेंस में से फिल्म का डिस्टेंस, क्योंकि मीडियम चेंज है ना दोनों का, और हमने ऑप्टिकल पाथ लेंथ कवर की हुई है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है कि अगर कोई भी चीज़ मीडियम में है, कोई भी डिस्टेंस मीडियम में है, उसका इक्विवेलेंट वैक्यूम बनाना हो, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, म्यू से। इसको म्यू से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली ये भी एयर है, ये भी एयर हो गया। ठीक है यहाँ तक। इसमें इसको इक्वेशन नंबर वन, म्यू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, हमने आइगन प्रिंसिपल किया था, ऑब्जेक्टिव भी किया था। तो यहाँ पर साइन आई इज ए एन बाई ए डी, साइन ऑफ आर, यहाँ पर साइन ऑफ आर इज इक्वल टू डी एम बाई ए डी। तो इस तरीके से ये कर लिया, ए डी ए डी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ए एन बाई डी एम, ठीक। या फिर ए एन इज इक्वल टू डी एम इंटू म्यू, ये स्टेप नहीं भी करोगे, सीधा लिख दोगे तो भी आंसर सही है। कैसे, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है डी एम और ये कितना है ए एन, तो डी एम मीडियम के अंदर है और मीडियम के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो म्यू टाइम्स क्या होता है, म्यू टाइम डी एम इज इक्वल टू ए एन, जो वैक्यूम का डिस्टेंस है ए एन है, वैक्यूम का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी एम, सीधा लिख दे तो भी चलता। तो इसमें इस ए एन की वैल्यू को उठा के यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, यहाँ से म्यू कॉमन आ गया तो ये टर्म आ जाएगी। ए सी सी जी के इक्वल है, ए सी सी जी के इक्वल आइसोसेलस ट्राइंगल है तो सी जी आ जाएगा। सी जी प्लस सी डी, सी जी प्लस सी डी पूरी लाइन होगी, इसमें से क्या माइनस करना है, डी एम माइनस किया तो क्या आ गया, एम जी, एम जी या जी एम, तो पार्ट डिफरेंस क्या आ गया, म्यू इंटू जी एम। लेकिन ट्राइंगल ए जी एम के अंदर आ जाओ, ट्राइंगल ए जी एम, ये राइट एंगल ट्राइंगल में आप कॉस आर कैलकुलेट कर सकते हो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस आर किसके इक्वल है, कॉस आर इज इक्वल टू जी एम, जी एम डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस दैट इज ए जी, या फिर जी एम इज ए जी कॉस आर। जी ए जी को क्या लिख सकते हो, ए जी को टी प्लस टी, टू टी, सीधा आ गया यहाँ पर टू टी कॉस आर। इस जी एम को उठा के यहाँ पुट कर दो तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, म्यू टाइम्स टू टी कॉस आर। प्लीज बॉक्स में डाल लो, प्रूफ नहीं कोई पूछेगा, ये याद रखो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, टू म्यू टी कॉस आर। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वाई डी सी एक्सपेरिमेंट में हमने पार्ट डिफरेंस निकाला था पाइथागोरस से, वो तरीका अलग था, ये तरीका अलग है। उसके अंदर आया था एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, इसमें आया टू म्यू टी कॉस आर। अब हमने एक रूल सीखा क्या, कि जब रिफ्लेक्शन होती है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन एयर से एयर में, एयर से एयर में, और जब रिफ्लेक्शन एयर से एयर में है तो उस केस में पाई का पार्ट डिफरेंस वैसे ही क्रिएट हो जाना है, अभी क्या था एयर टू एयर में पाई का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो, और पाई इक्वल टू लैम्डा बाई टू, फेज डिफरेंस अगर पाई है तो पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई टू। और ये पहली बार किसने बताया था, स्ट्रोक ने, तो इस लॉ को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक्स लॉ इन ऑप्टिक्स, कि अगर कोई एयर से एयर रिफ्लेक्शन होती है किसी मीडियम पे तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है, लैम्डा लैम्डा बाई टू, या फेज डिफरेंस पाई, स्ट्रोक्स लॉ। तो उसने कहा कि अफेक्टिव पार्ट डिफरेंस अब कितना होगा, अफेक्टिव पार्ट डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू टू म्यू टी कॉस आर, तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं, इस लैम्डा बाई टू को बीच में से एडजस्ट करेंगे जो कि क्या आएगा, लैम्डा बाई टू माइनस किया इसमें से, माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि जो क्रेस्ट आ रहा था टकराने की वजह से ट्रफ बन चुका, तो उसको वापस से क्रेस्ट बनाना पड़ेगा ताकि इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस जो पार्ट डिफरेंस है वो एडजस्ट करेंगे क्योंकि टकराने की वजह से पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया, और हमने जो पार्ट डिफरेंस लेना है वो डिस्टेंस की वजह से लेना है, डिस्टेंस मीन्स दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया है, उसको हमने क्या करना है, बीच में से माइनस किया, माइनस करके ये टर्म आ गई। अब इन दी एंड हमें पता है कि अगर पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है तो इंटरफेरेंस कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टिव, तो कंडीशन बन गई, अगर ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल है, एन लैम्डा, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव, या टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू। प्लीज इसे बॉक्स में डाल लो, सबसे काम की चीज यही है बस, और कुछ नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई ऊपर वाली सरफेस पे, टू म्यू टी कॉस आर इज टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू। तो याद रखना है किसी न्यूमेरिकल में बस यही यूज होगा, कि और कोई थ्योरी नहीं को पूछेगा कैसे किया हमने,
बस ये सीधा ही लगाना है, बस आपने ये देखना है कि इंटरफेरेंस किसी न्यूमेरिकल में ऊपर हो रही है, और अगर ऊपर की सरफेस पे हो रही है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे हो रही है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो 2 म्यूटी कॉस आर को उठा के क्या कर देना है, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, ठीक। और डिस्ट्रक्टिव के लिए, और अगर थिकनेस तो निकालनी है तो फिर तो क्या 0, 1, 2, 3 पुट करो, थिकनेस की वैल्यू आती रहेगी, तो अलग चीज़ है। डार्कनेस के लिए ये पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे लैम्डा बाई 2 राइट साइड पे लेके जाओगे, ये बॉक्स में डाल लो, 2 μcos r = nλ। ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है सो फिल्म के अंदर, जो कि YDSC से उल्टी है। YDSC में क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस क्या होता था, एन लैम्डा, इसमें डिस्ट्रक्टिव में होता है एन लैम्डा। नेक्स्ट है, अब इंटरफेरेंस कहाँ पर करनी है, ट्रांसमिटेड लाइट पर, नीचे वाली सरफेस पे। नीचे वाली सरफेस पे क्या होगा, नीचे वाली सरफेस पे यहाँ पर जब पार्ट डिफरेंस निकलेगा, पी फॉर पार्ट डिफरेंस, BC + CE, ज़्यादा लंबा रास्ता है, -BN, क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो फिल्म के अंदर डिस्टेंस है, वैक्यूम इक्विवेलेंट करने के लिए म्यू से मल्टीप्लाई, -BN, फिर म्यू इज sin i / sin r, तो ये वेव फ्रंट बनाया, यहाँ से sin i निकाल लो, sin r निकाल लो, BE से BE क्या हो जाएगा, कैंसल, BN/ME, या सीधा लिख दो BN जो BM है और जो NE है, BM को म्यू से मल्टीप्लाई करोगे, BN = μ × gm। इसमें कोई बताएगा उल्टा क्यों आ रहा है ऐसे, ये कैसे आ गया, मैं यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये तो बाद में आएगा। म्यू इज BN/ME या BN = μ × ME, तो मैंने क्या बोला, BN = μ × ME, क्योंकि नीचे की सरफेस है, और ऑप्टिकल पाथ क्या बोलता है कि म्यू को ME से मल्टीप्लाई कर दो तो वैक्यूम का डिस्टेंस आ जाएगा जो लाइट ने ट्रेवल किया, जो कि क्या होगा इसमें BN। मतलब अगर आप ये sin r नहीं लगाना चाहते तो आप सीधा कर लो ना, इसमें आप सीधा बोल दो इसमें कि दिस डिस्टेंस को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये बता रहा हूं, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अब इसके अंदर नहीं, गलत है इसमें कुछ, एम ई आएगा यहां पे, BN = μ × ME, ME पुट की है, करेक्शन करना है यहाँ पे, कुछ मिस प्रिंट है, ME आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, BN = μ × ME, ठीक है ना। तो इस BN को उठा के ऊपर पुट करेंगे तो क्या आ गया, μ × ME, ठीक ठीक यहाँ तक। और इसमें BC = CG, ये आपके पास क्या है BC, और ये क्या है आपके पास CG, क्यों, क्योंकि इसमें नॉर्मल ऊपर जाएगा
जैसे ज्योमेट्री उसमें ऊपर बनी थी, इसमें नीचे से बनेगी, नॉर्मल ऊपर जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, ये आर तो ऑल्टरनेट एंगल से आर, ये आर तो ये आर, ये 90 माइनस आर तो ये आर, सिमिलरली ये आर तो ऑल्टरनेट से ये आर तो ये भी आर, ये आर तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी आर, आर और आर बराबर तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सी इज इक्वल टू सी जी। तो इसलिए यहाँ पर क्या पुट कर दिया, पी इज इक्वल टू, यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू सी जी, बी सी की जगह क्या पुट किया, सी जी, ठीक। और सी जी प्लस सी ई, सी जी प्लस सी ई पूरी की पूरी लाइन है, इसमें से क्या माइनस करना है, एम ई, तो क्या बनेगा, जी एम। तो यहाँ पर क्या आ गया, जी एम। और एज यूजल कॉस आर की वैल्यू इन ट्राइंगल बी जी एम, इन ट्राइंगल बी जी और एम, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस आर किसके इक्वल है, कॉस आर इज इक्वल टू जी एम, जी एम डिवाइडेड बाई बी जी, ये आ गया। तो जी एम इज इक्वल टू बी जी कॉस आर, और बी जी किसके इक्वल है, बी जी इज इक्वल टू टी प्लस टी, टू टी, टू टी कॉस आर। तो जी एम की जगह यहाँ पुट करेंगे तो सेम आंसर आ गया, टू म्यू टी कॉस आर। तो करने की क्या जरूरत है, सीधे बोल देंगे जो पाथ डिफरेंस ऊपर वाली सरफेस में वही नीचे, और बढ़िया ही हो गया, डिफरेंट आता तो दो याद करने पड़ते, ठीक। तो पार डिफरेंस रिफ्लेक्टेड सरफेस और ट्रांसमिटेड सरफेस का क्या रहेगा, सेम। तो प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे दिया मैंने, जरूरत नहीं है इसमें। अब इसमें एक और फायदा है कि ये जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, डेंसर टू डेंसर है, तो पाई का फेज शिफ्ट नहीं होगा, उसमें तो एडजस्ट किया था पाई, इसमें एडजस्टमेंट नहीं करना। तो यानी कि पार्ट डिफरेंस क्या आ गया, टू म्यूटी कॉस आर, बस लैम्डा बाई टू, माइनस करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो अगर ये पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा है तो ब्राइटनेस की कंडीशन है, बॉक्स में डाल लो, और अगर ये टू एन प्लस वन या टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू है तो ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन, उसमें तो माइनस लैम्डा बाई टू की वजह से कंडीशन उल्टी हो गई थी, इसमें तो सीधे ऐसे ही है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है इसमें।